झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां गोलबोरी तीन प्लेट कंपनी के कार्यक्रम में शामिल हुए। तीन प्लेट कंपनी द्वारा 2000 करोड़ की लागत से 3 लाख टन कंपनी की क्षमता को बढ़ाने का उद्घाटन किए। इससे बड़ी संख्या में शहर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सचिव, मंत्री, विधायक और टाटा स्टील कंपनी MD और तीन प्लेट कंपनी के MD समेत तीन प्लेट कंपनी के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। झारखंड के साथ साथ पूरे देश में प्रसिद्ध इस टाटा नगरी में टिन प्लेट ऑफ कंपनी इंडिया के विस्तारीकरण परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित यहां पर हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण आदरणीय चंपई सोरेन जी, बन्ना गुप्ता जी, उपस्थित हमारे यहां सभी विधायकगण, यहां उपस्थित टाटा समूह के CEO नरेंद्रन जी एवं सभी टाटा समूह के वरीय पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित आप सभी महानुभाव का TCIL के विस्तारीकरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं जहां विशुद्ध रूप से उद्योग के परिचालन और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और ये उद्योग कैसे यहां और बेहतर तरीके से काम करे, इस परिकल्पना को लेकर यहां सरकार बनने के बाद हमने नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई और उस इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत कई सारी कंपनियां झारखंड प्रदेश में आने का अपना इच्छा भी लोगों ने जताया और संयोग से उस उद्योग नीति के सार्वजनिक करने के कार्यक्रम में काफी सारे उद्योग घराने के लोग थे, टाटा समूह के भी लोग वहां उपस्थित थे। और कई समूह के भी लोग थे और उसमें ये सहमति भी बनी थी कि टाटा समूह इस नए उद्योग नीति के तहत झारखंड में अपना एक्सपेंशन करेगी। मुझे लगता है कि 1.5-2 साल हो चले हैं ये सब बात हुए, कोरोना का पीरियड भी चल रहा था, कई चुनौतियां सामने खड़ी थी, फिर भी हमने राज्य में आर्थिक गतिविधि बनाए रखने के लिए और यहां उद्योग के साथ साथ आम जीवन भी सामान्य बना रहे, इसका भरकस प्रयास हम लोगों ने किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।